बोलना बंद। आज ही बच्चों को देखिए, आप को भी बच्चे रहने दीजिए, आमीन बोलेंगे सूरह फातिहा की बात, समझ रहे हो? तो बहरहाल ये उससे ताल्लुक ही नहीं उस आयत का। अगर ऐसी कुरान की तफसीर हम लेंगे तो फिर तो ला तखरबुस सलाह जिसने कहा उसने भी सही बोला, नमाज के करीब मत जाओ, इसलिए मैं नमाज पढ़ता ही नहीं आजकल। कुरान की आयत है फवैलुल मुसल्लीन, लाना तो नमाजियों पर, इसलिए नमाज छोड़ दिया मैंने आजकल। पूरी आयत है मुकम्मल, कॉन्टेक्स्ट होता है, शान नुज़ूल होता है, फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल होता है, सहाबा का अमल होता है, उन्होंने कैसा समझा हुआ होता है, ताबईन तबे ताबईन भी कुछ उस पर अपने अकवाल रखते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है, इतनों के बाद आना ना यहाँ तक। अच्छा फिर ये बोलने वाले